मिट्टी में मिला दे, मिला दे, मिला दे, मिला दे। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से माता बहनों को सचेत करना चाहूंगा कि माता की एक छोटी गलती बेटे को कितनी बड़ी मुसीबत में डाल सकती है, क्योंकि बालक को बिगाड़ना बनाना सब हमारी माताओं के हाथ में है। एक बालक था, एक बालक जिसको 20 वर्ष की भरी जवानी में और फांसी लगने जा रही थी। बातें ना करें जी, बातें ना करें, ये लाइव चल रही है पूरे ऑल इंडिया के अंदर, आपके गांव की ये कथा जो है लाइव चल रही है, अपने अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं, चल रही होगी अभी। तो माताओं का कहना है, पहले भी हमने बताया है, खाली कहानी सुनने से या झांकी देखने से उद्धार होने वाला नहीं, या धर्म धर्म कहने से धर्म नहीं हो सकता। जब तक हम धारण नहीं करेंगे, विचारों का परिवर्तन नहीं करेंगे, तब तक वो धर्म नहीं है। एक 20 वर्ष के बालक को फांसी लगने जा रही थी, भरी जवानी में मरने वाली के आखिरी इच्छा को जरूर पूछा जाता है। अगर किसी को कोई फांसी दी जा रही हो तो उसकी आखिरी इच्छा जरूर पूछी जाती है फांसी लगने से पहले। उस बालक को फांसी के तख्ते पर खड़ा कर लिया गया, उससे पूछा गया, तुम्हारी फांसी देने में कुछ ही समय बाकी है, तुम्हारी कोई इच्छा आखिरी हो तो बता दो, कुछ खाना हो या किसी से कुछ बात करनी हो बताओ। लड़के ने जवाब दिया कि ना तो मुझे कुछ खाना है ना कुछ और करना है, मुझे सिर्फ मेरी माँ से दो बातें करनी है, मेरी माँ से मुझे मिला दो, मेरी माँ को बुला दो, अंत समय में अपनी माँ से दो बातें करना चाहते हैं। ये तो ऐसे चिपक गए जमाल, चमक से चिपक गए। बोलिए भगवान बुद्ध की, तो वहीं पर ध्यान दीजिए मेरी बात पर। भैया ज्यादा शोर ना मचाए, हम कह रहे हैं आप लोगों से सभी से। जब फांसी के तख्ते के बालक को खड़ा कर लिया, उसने कहा माँ को बुला दो। जब माँ आई, माँ को बुलाया गया, जब माँ को बुलाया गया, लड़के ने कहा कि माँ मेरे पास आओ। माँ पास गई, लड़का बोला माँ और पास आओ, माँ और पास गई। माँ ने समझा मेरा बेटा बहुत बड़ा चोर और डाकू बदमाश था, हो सकता है इसका लूटा हुआ धन कहीं छुपा होगा, वो मुझे बताना चाह रहा होगा। लड़के ने कहा कि माँ अपना कान मेरी तरफ करो। माँ ने सोचा कि वास्तव में ये मुझे कुछ बताना चाह रहा है, जरूर कहीं कुछ धन छुपा है जो बताएगा। आज जैसे ही माँ ने लड़के के सामने कान किया, उसके खुद के पुत्र ने उसका कान झट से काट लिया। जब माँ का कान काट लिया, सभी हैरान रह गए, दंग रह गए कि तुम्हें माँ के पैर पकड़ करके रोना चाहिए था, माँ से माफी मांगनी चाहिए थी कि माँ मैं दुनिया से जा रहा हूं, अब नहीं मिल पाऊंगा, लेकिन तुमने तो ठीक विपरीत किया।
तुमने अपनी माँ का कान काट लिया। अरे ऐसी क्या बात है जो तुमने अपनी माँ का कान काट लिया। सभी दंग रह गए, प्रश्न करने लगे। लड़का बोला, आप लोग सब जानना चाहते हैं कि मैंने माँ का कान क्यों काटा। अरे आज मुझे 20 वर्ष की भरी जवानी में जो फांसी दी जा रही है, ये किसी और की देन नहीं है, ये सिर्फ सिर्फ मेरी माँ की देन है। माताएं सुन सुन सुन, ये मेरी माँ की देन है। जब मैं छोटा था, जैसे ये बच्चे बैठे, बच्चे ये बैठे ना, अभी इन्हें कोई मतलब नहीं कथा भागवत, जैसा बनाओगे वैसे बनेंगे। धार्मिक बनाओगे धार्मिक बनेंगे, गुंडा बनाओगे गुंडा बनेंगे। जब मैं छोटा था तो मेरी माँ कहती थी, जा फलाने के खेत से सब्जी तोड़ लिया, तोरी तोड़ लिया, भिंडी तोड़ लिया, लौकी तोड़ लिया, भुंटे तोड़ लिया। मैं देख रही हूँ, मुझे छोटी छोटी चोरी करना मेरी माँ ने मुझे सिखाया, और मैं छोटी छोटी चोरी करते करते मेरा दिल इतना खुल गया कि मैं बड़ी बड़ी चोरी करने लगा और डाकू बदमाश बन गया। अगर माँ मुझे छोटी चोरी चोरी करना ना सिखाती तो मैं बड़ी चोरी नहीं करता और डाकू नहीं बनता, आज मुझे भरी जमाने में फांसी नहीं दी जाती। ये मेरी माँ की देन है। और उसी समय अगर मैं छोटा था तो मैं गलती करता, किसी की छोटी पूरी चोरी करता, माँ मुझे उसी समय थप्पड़ मारती, कहती कि कभी ऐसी गलती की तो फिर देखते, तो शायद हम कभी चोरी नहीं करते, कभी बड़े चोर नहीं बनते, और बड़ी जवानी में आज मुझे ये फांसी नहीं दी जाती। तो मेरी माताओं से कहना है, गड़ा कुमार जब बनाता है अगर उसकी ठुकाई नहीं करेगा तो वो मजबूत नहीं होगा। कहा भी गया है कि माटी कहे कुमार से गड़ गड़ काड़े कोट, अंदर हाथ शहर दे बाहर बाहर चोट। उसी तरीके से माँ हो या पिता हो, बच्चों को अगर डांट लगा करके कंट्रोल में करके फटकार के अगर नहीं रखेंगे, अगर उसे हाथ सहलाते रहे फिराते रहे, बच्चा गलती करता है फिर भी कुछ नहीं कहा, तो एक दिन आपके लिए वो दुखदाई होगा, ये निश्चित है। एक बार की बात है, इधर जलेश्वर क्षेत्र में हमारा प्रोग्राम चल रहा था, एटा जिले में, जलेश्वर जलेश्वर में एक ही जगह पर हम 8 बौद्ध कथा कह चुके हैं, जलेश्वर में, जलेश्वर सिटी, उसी क्षेत्र की बात है। उस क्षेत्र में हमने बहुत कथाएं की। एक माँ सामने बैठी थी, उसका इतना ही बड़ा बच्चा था, जे बैठे दो बच्चे, सबके देखते देखते पता नहीं क्या हो गया, उस लड़के ने अपनी माँ के गाल में इतनी जोर से चाटा मारा कि पूरा पंडाल गूंज गया, सबको पता चल गया कि इस लड़के ने अपनी माँ के थप्पड़ मारा है। और उसने कुछ भी लड़के से नहीं कहा। उसी समय मुझे मौका मिल गया, मैंने कहा, बहन आज तो सिर्फ थप्पड़ मारा है, यही लड़का एक दिन आपके गोली मारेगा, उस दिन आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे इसने एक थप्पड़ मारा था भरे समाज में, तुम्हें दूसरा थप्पड़ भी इसे भरे समाज में ही मारना चाहिए था, तब इसे इसकी औकात का पता चल जाता, अपने आप सुधर जाता है। इसने एक मारा है, तुम दो लगाते हो, लेकिन उसने बच्चे को छुआ तक नहीं, सहरा के चुपचाप बैठ गई। तो ऐसा हमारी माताओं को नहीं करना चाहिए कि अपने बच्चों को, मैं ये नहीं कहता हूँ बच्चे प्यारे नहीं, सभी को अपने अपने बच्चे प्यारे होते हैं, लेकिन उतना ही प्यार करें कि तुम्हारे बच्चे बिगड़ न पाए, हमेशा इतना ध्यान रखें।
तो माताओं बहनों से कहना है, बालक 15 साल तक माँ की कस्टडी में रहता है, बाप की में कम माँ की में ज्यादा, क्योंकि बाप तो सुबह चला जाएगा या तो खेतों में चला जाए, धंधे के लिए चला जाए, नौकरी के लिए चला जाए, बिजनेस के लिए चला जाए। माँ तो हमेशा घर रहती है ना, माँ तो हमेशा देखती है कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, क्या लेके आ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या खा रहा है, सब कुछ माँ के हाथ में। तो आप लोगों से विनती है, हाथ जोड़ करके अपने बच्चों का सुधार करें, जो आपके बच्चे समाज में आपका नाम रोशन करें, मिट्टी में ना मिलाए। बोलिए भगवान बुद्ध की दया हो। कल आपने समक्ष में मैदर समाज की कथा सुनाई थी, यानी नहीं, कल आपको ब्राह्मण समाज की कथा सुनाई थी किरसा गौतमी की, आज आपके समक्ष में मैदर समाज की कथा सुनाने जा रहे हैं। हमने कहा था हर समाज के लोग तथागत की शरण में गए, हर समाज के लोग तथागत की शरण में गए, हर धर्म के लोगों ने तथागत को अपनाया। बुद्ध ने जबरदस्ती किसी को पर अपना धर्म नहीं थोपा है। जब लोगों को अच्छा लगा, लोगों को लाभ दिखाई दिया, तब लोगों ने बुद्ध के धर्म को धारण किया। बुद्ध ने जबरदस्ती किसी के ऊपर धर्म नहीं थोपा। तो चलते हैं पानी और प्यार की कथा को लेकर के